ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात अब की बार महिला को कमान। 33 जिलों में जिला प्रमुख पद की लॉटरी निकलने के साथ राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के लिए आरक्षण की तस्वीर साफ हो गई है। इनमें से 16 सीट एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित रखी गई, जहां महिलाओं को भी इस बार खास तवज्जो दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के 33 जिलों में जिला प्रमुख पद की लॉटरी निकलने के साथ पंचायती राज चुनाव के लिए आरक्षण की तस्वीर साफ हो गई। इसमें से 16 सीट एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित रखी गई, जबकि 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। यानी प्रदेश में 16 जिलों में महिला जिला प्रमुख बनेंगी। इनमें से भी एससी महिला के लिए 3, एसटी और ओबीसी महिला के लिए 2-2 सीट रिजर्व की गई, जबकि अनारक्षित महिला वर्ग के लिए 8 सीट रिजर्व रखी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि जयपुर शहर के साथ साथ गांव की सरकार का जिम्मा भी महिला प्रमुख पर ही होगा। 33 जिलों में जिला प्रमुख की लॉटरी, 6 एससी इनमें से 3 महिला सीट, 5 एसटी इनमें से 2 महिला सीट, 6 ओबीसी इनमें से 3 महिला सीट, 16 अनारक्षित इनमें से 8 महिला सीट। ये कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसका उपयोग जो है 2020 के पंचायती राज चुनाव में किया जाएगा। इसमें जो है विभिन्न तरह के आरक्षण के प्रावधान जो हमारे पंचायती राज एक्ट और नियम के अनुसार हैं, तो उनको लागू करने के बाद जो अंतिम स्थिति बनी है वो ये है कि राज्य के कुल जो 33 जिला परिषदें हैं उनमें अनारक्षित वर्ग के 17 जो है वो जिला प्रमुख होंगे और जिनमें 8 महिलाएं होंगी। एससी एसटी और ओबीसी महिला वर्ग सीट की बात करें तो करौली, चूरू और हनुमानगढ़ जिलों में महिला एससी जिला प्रमुख बनेगी। भीलवाड़ा और डूंगरपुर में एसटी महिला वर्ग की 2 सीट आरक्षित हुई तो राजसमंद, झुंझुनू और झालावाड़ में ओबीसी महिला वर्ग सीट आरक्षित हुई है। ये जो है संपूर्ण प्रक्रिया यहाँ पर बहुत पारदर्शी ढंग से सम्पन्न हुई, जिसमें सारे जो राजनीतिक दलों के हमारे प्रतिनिधि थे, जनप्रतिनिधि थे, सबको यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित किया गया था, तो उनके सामने बड़े पारदर्शी तरीके से लॉटरी निकाल करके ये कार्यक्रम हम लोगों ने संपन्न किया। 50% आरक्षण के मुताबिक 17 सामान्य सीटों में से 8 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। इनमें सीकर, जोधपुर, बारां, धौलपुर, जयपुर, पाली, टोंक, उदयपुर में महिलाओं के अनारक्षित वर्ग में लॉटरी लगी। नहीं, अभी तो जो पूर्व प्रक्रिया है, जो हमारा वर्तमान में प्रावधान है पंचायती राज एक्ट के अनुसार, तो उसी के हिसाब से जो है सारी निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। वहीं 9 सीटें अनारक्षित रहेंगी। अजमेर, बाड़मेर, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, सिरोही, जैसलमेर और नागौर अनारक्षित सीट है। देखिए, जो आज की वर्तमान स्थिति है उसके हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। अगर कल जो है कोई और परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसके हिसाब से हम दोबारा उस तरह की प्रक्रिया अपनाएंगे। जयपुर शहर में नगर निगम के बाद अब गांव की सरकार का जिम्मा भी महिला ही संभालेंगी। ग्रेटर जयपुर और हेरिटेज जयपुर में ओबीसी महिला मेयर होंगी, जबकि गांव की सरकार में जिला प्रमुख महिला अनारक्षित वर्ग से बनेंगी। जयपुर में दूसरी बार महिला जिला प्रमुख बनेंगी। इससे पहले पहली प्रमुख मधु शर्मा बनी थी। ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।